टेक्सटाइल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या वतीनं टेक्सटाईल मार्केटिंगसाठी नाविन्यपूर्ण फंडे या विषयावर कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अक्कलकोट रोड MIDC येथील टेक्सटाईल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनच्या कार्यालयात या कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे मार्केटिंग सल्लागार जगत शहा यांनी टेक्सटाईल मार्केटिंगसाठी नाविन्यपूर्ण फंडे या विषयावर यंत्रमाग धारकांना मार्गदर्शन केलं. निर्यात कशी करावी, ऑनलाईन कशा पद्धतीनं आपल्या उत्पादित वस्तूंची विक्री करावी याची त्यांनी माहिती दिली. पहिला एफिशियंटली क्रिएट गुड्स एंड सर्व्हिसेस. आप देखो की आप एफिशियंटली क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं, टेक्नोलॉजी ठीक है या नहीं, पावर लूम की बात चल रही थी तो टेक्नोलॉजी राइट है या नहीं, टेक्नोलॉजी बदल गई, मार्केट बदल गया और हम एफिशिएंटली क्रिएट कर रहे हैं यानी गुड्स एंड सर्विस वो कर रहे हैं तो एक फैक्टर आपका 25% हो गया ग्लोबल मार्केट डिमांड. हमेशा अपना बिजनेस ये सोच के चलाओ, भले एक्सपोर्ट नहीं करना है तो मत करो, ये सोच के चलाओ कि अगर मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा या नहीं. वाई कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 130 करोड़ लोगों का इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट करने की क्या जरूरत है. एक्सपोर्ट करने के लिए इसलिए जरूरत है कि जब हम एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो वी अंडरस्टैंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड इन अवर बिजनेस और वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम हमारे बिजनेस में इंडिया में जब लेके आते हैं तो हमारा इंडियन वे ऑफ डूइंग इंडियन बिजनेस सुधर जाता है. या प्रसंगी TDF चे अध्यक्ष राजेश गोस्की, यंत्रमाग धारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम, शशिकांत भावसार, BT यशवंते, श्रीनिवास बुरा, गोवर्धन चाटला, गोविंद संवर, संजय मडूर यांच्यासह यंत्रमाग धारकांची उपस्थिती होती.